क्या हाल है, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, चिकन पुलाव बनाऊंगी मैं आज। तो प्याज मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे और चिकन भी मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। तो प्याज यहाँ पे फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई हो चुके थे, मैंने शामिल कर दिया आलू और टमाटर। तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी बना रहे हैं, आलू मैंने डाल दिए थे कुछ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन, यहाँ पे आलू और चिकन में सब में बॉयल आ चुका था, तो मैंने शामिल कर दिए चावल। तो यहाँ पे मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए, इसके ऊपर मैं काटने लग गई हूँ धनिया। तो हम लोग बना रहे हैं चिकन पुलाव, आलू चिकन पुलाव बना रहे हैं आज। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप पर इसमें शामिल करती हूँ आलू बुखारा। सब्जी, तो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो अभी बाकी जो सब्ज़ी काउंटर पर पड़ी उसको मैं काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टमाटर और मटर को प्याज में शामिल कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो यहाँ पे शलजम, आलू और गाजर को मैं मिक्स करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने मसाला और नमक और हल्दी शामिल कर दिए थे, इसको मैं फ्राई होने दूंगी और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं इसमें एक गिलास पानी शामिल करके और इसको ढक दूँगी, हल्के आँच पे इसको मैं पकने दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें दो तीन हरी मिर्चें भी शामिल करती हूँ और अभी इसको मैं ढक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को ढक दी, उसकी आँच मैं कम कर दूँगी, हल्के आँच पे मैं इसको पकने दूँगी। हम लोगों की जो मिक्स सब्ज़ी थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, हल्के आँच पे पकाते हुए इसको मेरे 20 से 25 मिनट हो चुके थे, बिल्कुल सब्ज़ी तैयार। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, तो मैं बनाने जा रही थी रसमलाई। तो रसमलाई के लिए मैंने मिल्क पाउडर ले लिया, थोड़े से उसमें मैंने खुश फ्रूट शामिल कर लिए, दो अदद मैंने यहाँ पे अंडे ले लिए थे, 1 से 1.5 किलो दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, चीनी शामिल कर दिया था। तो आए रसमलाई को तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो अंडे फेंट लिए थे, इसको अभी मैं रसमलाई में शामिल करूँगी। मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करती हूँ और उसके बाद देखते हैं कितने ऑयल की ज़रूरत है। और 2 अदद मैंने यहाँ पे अंडा ले लिया है, इसी से हम अपने डो को गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। जब डो अच्छा बनेगा तो रसमलाई भी बहुत बेहतरीन ही बनेगी। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे तेल की थोड़ी सी और ज़रूरत है, क्योंकि तेल मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो इसको अच्छी तरह से गून के ज़रा टाइम नहीं देंगे और फिर उस पर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। बस दूध हमारा पक रहा है, छोटे छोटे से बोल बना के वो मैं शामिल कर दूंगी दूध के अंदर। तो डो को हम लोगों ने ज़्यादा नहीं गूंदना है, रफली ही बनाने हैं रू को। तो डो हम लोगों का अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो अभी हम इससे बनाएंगे छोटे छोटे से बोल। तो हम लोगों का तैयार हो चुका है, तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में लगा लूँगी तेल और इसके हम छोटे छोटे बॉल बनाना शुरू करते हैं, जब तक कि हमारा ऑयल इसमें अच्छी तरह से मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसको बॉल बनाती जाऊँगी और दूध वहाँ पे बॉयल होते जा रहा है।
तो यहाँ पे सारे बोल तैयार हो चुके हैं और इसको हम फौरी से फौरी दूध में शामिल कर लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे वरना इसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका था, तो हल्के आँच पे मैं इस पे इसमें मैं रस मलाई छोड़ दूंगी और मैंने इसको चम्मच नहीं लगाना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। जब ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी तो फिर इसका पकना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग इस स्टेप पे यहाँ पे इस पे चम्मच नहीं लगाएंगे। देखिए बॉयल हो गए, खुद ही ऊपर आना शुरू हो चुके हैं रसमलाई। इसको हम 10 से 20 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल करेंगे, खुद ही बखुद ही ऊपर आ चुकी है। धीमी आंच पे पकने देंगे इसको ताकि अच्छी तरह से पक जाए। हम लोगों की झटपट सी मज़ेदार सी रसमलाई जो थी वो तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम लोगों की जो रसमलाई थी वो तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल मज़ेदार सी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो चुकी थी।